वेलकम टू अन वीडियो, यू आर वॉचिंग स्पीक इंग्लिश गुरु, दिस इज राज। गाइज, मॉडल की सीरीज में इस समय शो चल रहा है और शो की तीन से चार वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। और ये आपकी जो वीडियो है, इसमें हम जानेंगे शुड हैव बीन का यूज। गाइज, इससे पहले आप जान चुके हैं शुड बी का यूज, और इसमें जानेंगे शुड हैव बीन का यूज, क्योंकि मैंने शुड वी और शुड हैव तीनों करा दिए। आज हम क्या करेंगे कि शुड बीन का यूज जानेंगे। देखिए, कहाँ पर यूज होता है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि शुड हैव बी का यूज होता था पास होना चाहिए या किया जाना चाहिए, लेकिन जब हमने शुड हैव बीन का यूज लगाया तो इसमें आ गया पास होना चाहिए था या करना चाहिए था। दो चीज़ें आ गई। अब उसके बाद में हम जानेंगे इसके एग्जाम्पल किस तरह की। देखिए, यहाँ पर पास होने का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी चीज़ का अपने पास होना, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब किया जाना चाहिए या करना चाहिए था यहाँ पर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाइज, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस जानते हैं हम किस तरीके से हैं। जैसे मैंने कहा, पहला एग्जांपल लेकर के मैंने कहा कि इस समय तुम्हें वहाँ उसके साथ होना चाहिए था, मींस तुम्हारी वहाँ नीड थी और तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। तो इस समय, दिस टाइम या राइट नाउ, वहाँ आपको उसके साथ होना चाहिए था, ठीक है। तो यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, किसके साथ? विद हिम राइट नाउ, ठीक है। तो यू शुड हैव बीन देयर विद हिम राइट नाउ, केवल आपको शुड हैव सब्जेक्ट के बाद लगाना है, बाकी के जो चीज़ें जैसे वहाँ है तो देयर आ गया, और उसके साथ तो विद हिम आ गया या विद हर आ जाएगा, और इस समय तो राइट नाउ आ गया। क्लियर? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उससे इस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए था, मे बी उसका कोई रिलेटिव एडमिट हो सकता है, ठीक है। तो उसको इस समय या उस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए था और वो उस समय हॉस्पिटल में नहीं था, तो हम या फिर नहीं थी, कैसे बोलेंगे इसको? सी शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट टाइम का मतलब है उस समय। क्लियर? तो सी शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट टाइम, उसे उस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें इस समय लाइब्रेरी में होना चाहिए था। एक्चुअली लाइब्रेरी का टाइम था इस समय, है ना, तो हम बात कर रहे हैं आपस में कि हमें इस समय लाइब्रेरी में होना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे इसको? वी शुड हैव बीन इन द लाइब्रेरी राइट नाउ, इस समय हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, उन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था, यानी कि टाइम दिया हुआ था ऑलरेडी कि इस समय तक हम आपके यहाँ पर होंगे, तो हम बात कर रहे हैं कि उन्हें इस समय यहाँ पर होना चाहिए था, यानी आ जाना चाहिए था या होना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे उनको? एक्चुअली हम इस सेंटेंस के अंदर ना पूरा पास्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पास्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, उसके पास 2 बीघा खेत होना चाहिए था, यानी कि दे शुड हैव बीन 2 बीघा फील्ड, उनके पास, यानी कि उनका मतलब दे, तो दे शुड हैव बीन 2 बीघा फील्ड। 2 बीघा एक्चुअली ये जो मेजरमेंट होता है बीघे का, ये जो फील्ड का, ठीक है, और फील्ड मींस खेत। क्लियर? चलिए, आपको हमारे फार्म हाउस पर होना चाहिए था, यानी कि आप यहाँ पे आ गए, आपको हमारे फार्म हाउस पर होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन एट अवर फार्म हाउस, आपको हमारे, यानी अवर फार्म हाउस, हमारे फार्म हाउस पर होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर? बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, केवल और केवल आपका सिर्फ इतना चेंज है कि आपको शुड हैव बीन लगाना है, बाकी का तुरंत उसके बाद में नाउन है, एडजेक्टिव जो भी है वो लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आपको इस वक्त अपनी पत्नी के साथ घर पर होना चाहिए था, तो आपको, यानी कि यू शुड हैव बीन कहाँ पर होना चाहिए था? एट होम। किसके साथ होना चाहिए था? विद योर वाइफ। कब होना चाहिए था? एट दिस टाइम। देखो, कंसेप्ट समझिए कैसे बनता है, कि किस, ये काम कौन कर रहा है? आपको, यानी यू। यू के बाद में हम बात किसकी कर रहे हैं? शुड हैव बीन की, शुड हैव बीन लगा दिया। अच्छा, आपको कहाँ पर होना चाहिए था? एट होम, घर पर। किसके साथ होना चाहिए था? विद योर वाइफ। कब होना चाहिए था? एट दिस टाइम, यानी कहाँ, किसके साथ और कब, तीन चीज़ें इसमें दी गई हैं, और तीनों का हमने जैसे जैसे ही हमने क्वेश्चन किया तो आंसर निकल के आ गया। क्लियर गाइस? वेरी सिंपल है, हम बड़ा सेंटेंस हो चाहे छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर? चलिए, अब हम जान लेते हैं
ये तो हो गया, पास होना चाहिए था। अब हम बात जान लेते हैं कि कोई काम करना चाहिए था, जैसे उसे वहां से अकेले नहीं भेजना चाहिए था, एक्चुअली उसे रास्ता देखा नहीं है ना, ऐसा हो सकता है कंडीशन। तो हमने कहा कि उसे वहां से अकेले नहीं भेजना चाहिए था, तो शी शुडंट हैव बीन सेंट, शी शुडंट। देखो मैंने बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी कि जब शुड और नॉट यू यूज होता है उसको हम कॉन्ट्रास्ट बना करके शुडंट बोलते हैं, ठीक है। शुडंट, वी शुडंट हैव बीन सेंट फ्रॉम देयर अलोन। सेंट की थर्ड फॉर्म है सेंट, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। तो सी शुडंट हैव बीन सेंट फ्रॉम देयर, कहाँ से? फ्रॉम देयर अलोन, यानी अकेले। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, ना वो विश्वास लायक था नहीं, आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यू शुडंट हैव बीन बिलीव्ड, यू शुडंट हैव बीन बिलीव्ड टू हिम, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो यू शुडंट हैव बीन बिलीव्ड टू हिम। क्लियर गाइस? चलिए, आपको उसके साथ इसने आके घर नहीं जाना चाहिए था। कोई कंडीशन ऐसी रही होगी जो आप किसी को, अपने फ्रेंड को या फिर कोई आपको बोल रहा है कि आपको इसने घर नहीं जाना चाहिए था, तो यू शुडंट हैव बीन, यहाँ तो आपने पढ़ाई है इससे पहले, इस तरीके से लगता है यू शुडंट हैव बीन, यदि वो यहाँ पे लगाया हुआ है। क्या नहीं करना चाहिए था? गो, नहीं जाना चाहिए था, यानी गो, गोन की थर्ड फॉर्म गोन, कहाँ पर? टू स्नियाज हाउस, स्नियाज हाउस किसके साथ? विद हिम, विद हिम उसके साथ, या फिर विद हर उसके साथ। ठीक है गाइस, चलिए तो हम इसको एक बार, मैं पूरा एक साथ बोल के बताता हूँ कि आपको उसके साथ इसने आके घर नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट हैव बीन गोइंग टू स्नेहा हाउस विद हिम। चलिए, उसे कल छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, मे बी कोई अर्जेंट वर्क रहा होगा, ठीक है। तो हम बात करें कि उसे कल छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, तो सी शुडंट हैव बीन टेकन एन ऑफ यस्टरडे, सी शुडंट हैव बीन टेकन यानी लेना, एन ऑफ छुट्टी कब? यस्टरडे। देखो, उसको क्या करना चाहिए था? लेनी चाहिए थी क्या छुट्टी? कब लेनी चाहिए थी? यस्टरडे, बस, वेरी सिंपल। चलिए, उसे कॉलेज से तुरंत घर भेज दिया जाना चाहिए, ठीक है, उसे चाहिए था, उसे कॉलेज से तुरंत घर भेज दिया जाना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे इसको? कि शी शुडंट हैव बीन सेंड टू, शी शुड हैव बीन सेंड टू होम। सी किसको? सी क्या करना चाहिए था? भेजना चाहिए था सेंड, कहाँ पर? घर। कब? इमिडिएटली, कहाँ से? कॉलेज से। तो शी शुड हैव बीन सेंड टू होम इमिडिएटली फ्रॉम कॉलेज। चलिए नेक्स्ट है आपका, हमें पढ़ने के लिए उस कोचिंग में पहले ही चले जाना चाहिए था। एक्चुअली कोचिंग से बहुत सारे सेलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई, उसका सिलेक्शन हो गया है, हम लोग रह गए, तो हमें उस कोचिंग में पढ़ने पहले ही चले जाना चाहिए था। तो हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? वी शुडंट हैव बीन गॉन टू दैट कोचिंग, उस कोचिंग में अर्लियर, पहले ही, फॉर स्टडिंग, पढ़ाई के लिए। तो क्या बन गया ये? वी शुड हैव बीन गॉन टू दैट कोचिंग अर्लियर फॉर स्टडिंग, पढ़ाई के लिए हमें पहले ही उस कोचिंग में चले जाना चाहिए था। चलिए लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लास्ट सेंटेंस है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि कुछ गलत किया होगा, तभी आदमी कहता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे इसको? यू शुडंट हैव बीन डन, यू शुडंट हैव बीन डन, डन माने डू, माने होता है करना, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, सच एज यानी कि ऐसा, विद हर उसके साथ, विद हिम। तो यू शुडंट हैव बीन डन सच एज विद हर, उसके साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये वाले सेंटेंस है वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ में बने हैं जिसमें करना चाहिए था, और ये वाले हैं जो फर्स्ट फॉर्म के साथ बने हैं इसमें केवल पास होना चाहिए था कि अर्थ में बने हैं। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंस आप वेरी इजी तरीके से बना सकते हैं, और इसके अंदर आपने देखा है कि कोई ज़्यादा किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सेंटेंसेस बनाने में। तो गाइज, इसी तरीके से आप बना सकते हैं, और इससे पहले भी शुड की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उसका आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और अगर आपने कुड की वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुड में भी इस तरीके का कुड हैव बीन का यूज़ भी मैंने बताया था। तो गाइज, अगर आप सीरीज टू सीरियल से देखेंगे, यानी कि सीरीज टू सीरीज देखेंगे, क्रम से देखेंगे, सिक्वेंसली देखेंगे, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, और आप जान पाएंगे कि मैं किस तरीके से आपको टीच करा रहा हूँ और कितना डीपली टीच करा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।